सर्फ है, 2000 मॉडल है, 14 की रजिस्टर है, 2700 सीसी इसका जेन्युइन इंजन है। और 2700 सीसी इंजन में अगर ये गाड़ी 10 या 11 की एवरेज देती है, तो अगर कोई बंदा कहता है कि जी इससे ज़्यादा देती है, तो मैं उसको वेलकम करता हूँ, वो मुझे बताए, मैं इंशाल्लाह उसके बाद हाजिर हो जाऊँगा। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है जी, ताहिर भाई का मैं वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। और ये माशाल्लाह इनका कराची से भी ताल्लुक़ है, यहाँ से भी ताल्लुक़ है, और मेरा कराची आना जाना है, तो उस लिहाज से भी मेरा इनसे एक रिलेशन बनता है, बिल्कुल बेहतर और है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें टाइम दिया है। एंड थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह अब इसका आगे आपको अस्सलाम फीडबैक वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ टीए मोटोस से मोहम्मद ताहिर। ये टोयोटा सर्फ है, 2700 सीसी है, ऑटोमेटिक है। आज इसकी एवरेज पे देखते हैं कि ये हमें क्या फीडबैक दे डालें एक लीटर पर। तो देखते हैं कि ये 2700 सीसी हमें बताइएगा क्या एवरेज कितना। दे रही है, मैं आपको बताता हूँ। हो बस गया सर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ये देखिए आपको नज़र आ रहा जी जी लीटर पूरा है लीटर है, मीटर जीरो करते हैं और देखते हैं कि ये जी हमें 2700 सीसी पर जी लीटर क्या एवरेज देती है। ये मीटर जीरो कर दिया हमने यहाँ पे, जीरो कर दिए जी। मीटर जीरो कर दिए। अभी हम ट्राई पे निकलते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या एवरेज। दोस्तों बनाई जी वीडियो, ये 1 लीटर हमने जो पेट्रोल डाला था और गाड़ी जो चली है, गाड़ी में हालांकि मिसिंग थी, स्विच ऑन किया जी, आ रहा है। ये देखें 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चली है और गाड़ी के अंदर मिसिंग मौजूद थी। तो अब इसकी हम भाई से पूछते हैं कि पहले क्या एवरेज थी और अब क्या एवरेज है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ टीएम ऑटोस से मोहम्मद ताहिर। ये भाई कहाँ से आए थे, गाड़ी कौन सी और हमने इसमें क्या काम किया, ये पूछते हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम भाई, कहाँ से आए आप? ताहिर भाई, मैं आया हूँ चकवाल से, ठीक और है, आपसे अपॉइंटमेंट ली थी, और ये लक था कि आपने हमें अपॉइंटमेंट से पहले बुला लिया, और ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और अब ये है कि वैसे हमने जो लॉन्ग रूट पे देखा है, हमने 20 लीटर डाला था, तो इसकी एवरेज आ रही थी को अराउंड 145 to 150 किलोमीटर्स, ठीक है, ठीक दैट मीन्स को अराउंड अबाउट 7 किलोमीटर ये पर लीटर दे रही थी। है। अब हमने इसमें फ्यूल चेंज किया है, और उस फ्यूल को हमने देखा, उस फ्यूल में बहुत सा फ़र्क था। वो ताहिर भाई ने एक पिक्चर भी बनाई हुई है, वो भी शेयर करेंगे। और जो इनके पंप से जो फ्यूल डाला गया है, दैट वाज लिटिल क्रिस्टल क्लियर था वो, और वो शक्ल में नज़र आ रहा था कि कोई इफेक्टिव है। और वही फ्यूल हमने डाल के इसको ज़ीरो पे किया है, और 1 लीटर डाला है, और अब ये 10 किलोमीटर चली है, दैट मीन्स के 3 किलोमीटर का फ़र्क आया है। लेकिन इसमें मिसिंग भी है अभी, अगर ये मिसिंग ना हो तो ये 4 पर आ जाएगा, ये यानी कि 11 पे चला जाएगा। ठीक है, अब मज़ीद हम ये है कि मैं ताहिर भाई को फीडबैक दूंगा, क्योंकि मैं अब यहाँ से एयरपोर्ट जाऊंगा, एयरपोर्ट से फिर मैं चकवाल जाऊंगा, और उसी तरह मैं 20 लीटर ही डलवाऊंगा, और मेरा फ्यूल गेज मुझे बता देगा, और मुझे एवरेज का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाकई ही अब 10 पर आ गई, क्योंकि 20 20 लीटर डालूंगा तो इसको 200 किलोमीटर चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए। ठीक है, और अगर ये 200 किलोमीटर नहीं चलती, ये दोबारा 150 किलोमीटर ही चलती है, तो दैट मीन्स कि कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन मैं फ्यूल यहाँ से डालूंगा, एंड आई एम डेड श्योर कि फ़र्क आएगा, और उस फ़र्क की भी मैं वीडियो ताहिर भाई को सेंड करूंगा, और वो अपलोड करेंगे, ताकि व्यूवर्स को ये चीज़ पता चल जाए कि यार वाकई ही ये चीज़, ये डिफरेंस है। हालांकि अभी तक ताहिर भाई ने माशाल्लाह, अल्लाह इनको ज़िंदगी सेहत दे, इनको कामयाबी दे, इन्होंने अभी तक कोई इसकी चीज़ों में कोई चेंजिंग नहीं की। इन्होंने खुद कहा है मुझे कि यार मैं इसको जो है ना, इसी चीज़ पे सबसे पहले फ्यूल पे चेक करूंगा, अगर ये फ्यूल पे भी 7 एवरेज देती तो फिर हम नेक्स्ट और चीज़ों की तरफ काम जाते। करेंगे। अब ये टोयोटा सर्फ है, 2000 मॉडल है, 14 की रजिस्टर है, 2700 सीसी इसका जेन्युइन इंजन है। और 2700 सीसी इंजन में अगर ये गाड़ी 10 या 11 की एवरेज देती है, तो अगर कोई बंदा कहता है कि जी इससे ज़्यादा देती है, तो मैं उसको वेलकम करता हूँ, वो मुझे बताए, मैं इंशाल्लाह उसके बाद हाजिर हो जाऊँगा। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है जी, ताहिर भाई का मैं वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। और ये माशाल्लाह इनका कराची से भी ताल्लुक़ है, यहाँ से भी ताल्लुक़ है, और मेरा कराची आना जाना है, तो उस लिहाज से भी मेरा इनसे एक रिलेशन बनता है, बिल्कुल बेहतर और है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें टाइम दिया है। एंड थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह अब इसका आगे आपको फीडबैक देंगे। इंशाल्लाह थैंक यू जी, इंशाल्लाह। थैंक यू। दोस्तों इस गाड़ी का काम हमने कोई नहीं किया, सिर्फ पेट्रोल चेंज किया और माशाल्लाह हमें गाड़ी ने 3 से 4 किलोमीटर का फ़र्क दिया है।
अब मैं दुकान पे जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि पेट्रोल में क्या फ़र्क था और क्या इसका अपना पेट्रोल कैसा था और जो अभी हम जिस पे टेस्टिंग करें इसमें उसमें क्या फ़र्क था। तो दोस्तों मैं फिर यही कहता हूं कि अगर मैकेनिक काम थोड़ा सा तरीके से करे तो कस्टमर दूसरी तरफ किसी और तरफ ना जाए। तो ये टेस्टिंग का तरीका, अगर ये वहाँ टेस्ट कर लेते या मैकेनिक इनको बेहतर से बेहतर, अब ये जिसके पास गए उन्हें मेरे ख्याल इंजेक्टर चेंज किया जी या प्लग चेंज कर दो इंजेक्टर चेंज कर दो, ये प्लग और इंजेक्टर के दरमियान ही रहे हैं। आज हमने कोई चीज़ नहीं की और माशाल्लाह फ़र्क आया। तो इंशाल्लाह दोस्तों दुकान पे जाते हैं और वहाँ आपको इसके पेट्रोल की भी वीडियो दिखाते हैं कि पेट्रोल में फ़र्क है। दोस्तों ये हम दुकान पे पहुँच गए, ये लगी हुई है 2700 cc, आपको मैं पेट्रोल का फ़र्क दिखा दूँ। ये अब हम अपने पैप उतार रहे हैं जो हमने पर लीटर की टेस्टिंग की थी और पेट्रोल का फ़र्क देख लें कि इस गाड़ी में जो पेट्रोल था वो तकरीबन इस तरह का था जिस पे ये गाड़ी 7 की एवरेज दे रही थी और इस पे अगर गाड़ी में मिसिंग ना होती तो इस पे मिसिंग के साथ इसने हमें इस पेट्रोल पे 10 की एवरेज दी और अगर मिसिंग ना होती तो हम 11 पे होते और जो हमने वापसी जहाँ हमारा पेट्रोल ख़त्म हुआ था 10 पे तो हमने तकरीबन 3 किलोमीटर चलाई है। 3 किलोमीटर का मकसद ये है कि इसने 1 लीटर से हमारा जो पेट्रोल लिया है वो तीसरा हिस्सा लिया है तो इससे भी हमें आइडिया होता है कि गाड़ी में हमारा पेट्रोल का ही इशू था। इस गाड़ी में हमने कोई चेंजिंग नहीं की, कोई इंजेक्टर अल्टरेशन नहीं किए, कोई सेटिंग नहीं की और बस ये मसला सिर्फ पेट्रोल पंपों का है। ये पेट्रोल है इस पर अब 7 है तो इस पर तकरीबन 11 की एवरेज है अगर मिसिंग हम ख़त्म कर दें तो, मिसिंग के साथ भी इस पेट्रोल पे 10। अब सिर्फ पेट्रोल चेंज करने से अगर 3-4 किलोमीटर का फ़र्क आ जाए तो आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि पेट्रोल का फॉल्ट है। सर ऐसा ही है। तो दोस्तों मैं तो कह के थक गया, अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ लोगों को कि भाई पेट्रोल पंपों वालों को भी कंप्लेन करो, सिर्फ इलेक्ट्रिशियनों मैकेनिकों को ना गिला कहो, गिला ना करेंगे जैसे कोई जा रहा है तो। दोस्तों समझ आ गई होगी आपको पेट्रोल की, तो पेट्रोल पंपों वालों को भी थोड़ा सा गिला करें, सिर्फ आप लोग सारा जौन सा है नज़ला मकैनिक इलेक्ट्रिशियन पे डाल देते हैं कि शायद यार मेरी गाड़ी में काम ठीक नहीं किया या मेरी गाड़ी, इस गाड़ी में तो हमने कोई काम नहीं किया और माशाल्लाह 2700 cc ने अगर हमें 10-11 की एवरेज दी है तो बहुत अच्छी एवरेज दी है। हाँ इसमें सिर्फ चेंजिंग हमारे पेट्रोल की है, ये पेट्रोल पे तकरीबन 10 है एवरेज मिसिंग के साथ और इस पे 7 है। अब देखें ना आप क्या पंपों वालों को आप कहेंगे कि दोनों पेट्रोल तो पेट्रोल है, चल रही तो उस पर भी गाड़ी है इस पर भी है, लेकिन लाजमी बात है फ़र्क आ जाता है। तो इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।